जी बेटा ये हमने डबल किया है, अब सब्ट्रैक्शन अप्लाई करता हूँ सिंपली, बाहर वाले पार्ट से मैंने एंटर, अंदर वाला पार्ट जूम करने के लिए ताकि क्लियर सिलेक्शन हो जाए। देखें सब्ट्रैक्शन, बाहर वाला पार्ट सेलेक्ट बॉडी एंटर, अगेन सब्ट्रैक्ट, ये देखिए इजीली आप यहाँ पे ऑर्बिट आई ये वाला, यहाँ पे ऑर्बिट से आप इसे चेक कर सकते हैं। एक्सट्रूड हमने सिंपली किया है, एक्सट्रूड को सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब एक सब्ट्रैक्शन के बाद बेटा यूनियन भी होता है, लाइक मैं इसे यूनियन कर देता हूँ। यूनियन लेता जैसे सब्ट्रैक्शन है उसको कंप्लीट पार्ट को इंक्रीज करना, लाइक सी फॉर सर्कल एक्सट्रूड अगेन मूव कोई भी रख यूनियन। अब ये इसका पार्ट का हिस्सा बन गया है, यानी यूनियन आपने कर दिया, सिलेक्ट यूनियंस, ये देखिए एक ही बार सिलेक्ट करने में दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, इट मीन ये यूनियन बन गया। तो यूनियन बना सकते हैं आप, सब्ट्रैक्शन पर इंटरसेक्शन भी कर सकते हैं, ये इंटरसेक्शन है। नेक्स्ट कमांड इज लॉफ्ट, गो टू टॉप सेक्शन, अप्लाई रेक्टेंगल, सपोज दिस इज रेक्टेंगल एंड देन सर्कल, सर्कल एंड पॉलीलाइन, नंबर ऑफ साइड 6, मूव साइज बड़ा हो गया है, सपोज पॉलीलाइन 5 करने, वो जो से मजे ट्राई लाइक दिस वन सीपी ये मैंने 2D में टॉप व्यू में ये ड्राइंग, दोनों ड्राइंग बनाई है। देखिए बेटा आप, अब जाता हूँ दिस बॉक्स, इसे मूव कर लो या रेस कर लो, मूव कर लो इस पे, ये मैंने दो ड्राइंग बनाई है ठीक है, ये मूव कर लो, अप्लाई द लॉफ्ट कमांड। लॉफ्ट कमांड से पहले बेटा
मूव करने से पार्ट्स को, एम फॉर मूव, लाइक बेटा ये देखे, ये सर्कल को मैं मूव कर रहा हूँ हाइट की फॉर्म में, आर्थो ऑन कर लूँ ताकि दिस, एंड अगेन मैं इस पॉली लाइन को भी मूव कर लूँ इस डायरेक्शन, अब अरेज कर लूँ मैं, बल्कि बेटा मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ सीपी बजाय सीपी, ये मैंने आर्थो ऑफ कर दी, ये कॉपी कर बेटा। देखें अप्लाई लॉफ्ट कमांड, लॉफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली सिलेक्ट दिस सेक्शन, दिस सेक्शन एंड दिस सेक्शन, प्रेस इंटर। आप पूछ रहा प्रेस इंटर से पहले आप क्रॉस क्रॉस सेक्शन ओनली, हमने क्रॉस सेक्शन ओनली पे किया है, तो ये ओके क्लिक कर दो, ये देखिए ये लॉक। अब सेम ड्राइंग वही है बेटा, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर सर्कल है, ऊपर पॉलीलाइन है, तो सेम है। बाय सिलेक्शन जो डिफरेंशिएट नजर आपको आएगा वो देखेंगे आप, अगेन लॉफ्ट मार सिलेक्ट दिस, सिलेक्ट दिस, यानी पहले मैंने नीचे से लिया फिर ऊपर, अब अगेन थर्ड पार्ट सिलेक्ट दिस एंड प्रेस इंटर रॉ सेक्शन ओनली, ये देखें आपको डिफरेंशिएट नजर आया। मैंने सेम वो ड्राइंग बनाई, जस्ट मैंने क्या किया, रेक्टेंगल के बाद मैंने सर्कल को किया इसमें फर्स्ट वन में, लेकिन इसमें मैंने रेक्टेंगल के बाद अपर वाले पार्ट को किया, यानी उसने बॉटम से लेके अपर वाले तक लॉफ्ट किया पहले, फिर तो वापस गया सर्कल तक। और आपने देखना चाहे ऑर्बिट देखें, ये देखें पहले उसने रेक्टेंगल से ऊपर पॉलीलाइन तक आया, देन पॉलीगॉन तक, पॉलीगॉन से फिर वो सर्कल तक गया लॉफ्ट करने के लिए। तो लॉफ्ट कमांड क्या होती है, सेक्शनिंग, यानी सेक्शन पार्ट्स जो आप यानी सरफेस बनाते हैं या कोई भी एक शीट बनाते हैं, या आप ये कह लें कि ज्योमेट्रिक व्यू को सेक्शन करने के लिए, लॉफ्टिंग करने के लिए आप। सर जो आपने तीनों शेप्स को अलग किया था वो कौन से कमांड से किया था? बेटा कौन सी कमांड, मैंने समझा नहीं आपकी बात, अलग किया था मसलन सर अभी ये नहीं लेना थी, वो नहीं लेना थी बेटा, मैंने क्या किया सेपरेट बनाई थी या कॉपी कर लिया था सीपी से, सीपी से कॉपी करके सेपरेट कर दिया था। और आप कह रहे हैं कि टॉप व्यू बनाने के बाद मैंने ऊपर कैसे किया था, वो बेटा मूव कमांड से, मूव कमांड से मैंने परपेंडिकुलर 90 डिग्री ऊपर ले गया, अगेन दोबारा देख लें। ठीक है सर, ठीक है सर, खत्म करें। अच्छा जी, जी सर, बेटा ये था ना, अब मैंने सिंपली क्या किया, मूव को ऊपर उठा लिया, इसको ऊपर उठा रहा के देखें, अगेन मूव, मैं अब मूव, अब मैं इसे ऊपर उठा लेता हूँ सपोज, ठीक, अगेन मूव सर्कल को मैं ऊपर ले आता हूँ आर्थो की फॉर्म में, अब अप्लाई करता हूँ बेटा लॉफ्ट, लॉफ्ट दिस वन एंड दिस वन, ये देखे समझ आई। अब जो उसने बाहर से लेके गया वापस सर्कल तक अंदर आया, तो प्रेस इंटर क्रॉस सेक्शन होगी, नहीं समझ आई होनी, ये देखो सर्कल मैंने थर्ड पार्ट पे किया था, उसने पॉलीगॉन और ट्रायंगल की सरफेस जनरेट कर दी, ट्राई कीजिएगा समझ आ जाएगी इजीली, ये इजी है लॉफ्ट कमांड।